स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। और आज एक हम व्यूअर रिक्वेस्ट के ऊपर व्यूअर रिक्वेस्ट किया गया टॉपिक को कवर करेंगे, सोडियम आयन बैटरी को। तो आइए समझते हैं। तो आप समझिए, हम लोग यहाँ बात किस चीज़ कर रहे हैं। हम लोग ऐसा चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो लिथियम आयन जैसा ही होगा, लेकिन केमिस्ट्री बदल दिया जाएगा, खास करके लिथियम को बदला जाएगा। और इसको समझिए, मतलब मेन तौर पे यही हो रहा है कि सिर्फ अगर आप लिथियम आयन का केमिस्ट्री समझते तो बस वही लिथियम के आयन्स इधर उधर जाने की जगह सोडियम के आयन्स जाएंगे। और इसका वर्किंग सिस्टम प्रिंसिपल मतलब लगभग सारा चीज़ सेम है, जो का त्यों ही रहेगा और इसका पैकेजिंग सेम होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि कई सारे टेक्नोलॉजी हैं बैटरी के मामले में आजकल जो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, जैसे कि थर्मल बैटरी हो गया, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, मेरे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाना चाहिए। दूसरा हो गया फ्लो सेल, ये दोनों काफ़ी बम बम टेक्नोलॉजी है अपने जगह पर बहुत अच्छा, लेकिन ये दोनों को आप गाड़ी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए सूटेड नहीं है। तो पैकेजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो पैकेजिंग की बात की जा रही है, ये एकदम ज्यों का त्यों आपको लिथियम आयन बैटरी जैसा ही दिखेगा, जैसे 18650 हो गया, 2170 हो गया, वैसा सब करके मतलब जो जो पैकेजिंग होती थी सेम रहेगा। तो मान लीजिए अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो गाड़ी के लिए मतलब पूरा चैसी बनाया, चैसी में जो मतलब बैटरी कंपार्टमेंट बनाया, उस कंपार्टमेंट में जो सेल्स लगेंगे जो खाते हो रहेगा, बस उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि वोल्टेज कॉम्पनसेट हो सके। तो आप यही समझिए, ये इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंटाइसिंग है, लोग इसके पीछे इतना पागल हो रहे हैं, क्योंकि पैकेजिंग सेम रहेगा। मतलब अगर आप लिथियम आयन के लिए गाड़ी बना सकते हैं, सोडियम आयन के लिए भी बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं काम कैसे है। ज्यों का त्यों है, इसमें भी एक मतलब सेपरेटर है। सेपरेटर का काम होता है कि एनोड और कैथोड को शॉर्ट होने ना दे, लेकिन सोडियम आयन्स को इधर से उधर ले जाने दे। और यहाँ पे एनोड और कैथोड में क्या क्या लगता है, इस पर काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है, क्योंकि ये मतलब अभी ये ऐसा जगह पर नहीं जहाँ फाइनलाइज हो गया है। मतलब अगर आप अभी किसी भी कंपनी का लिथियम आयन ले, चाहे वो LG का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो पैनासोनिक का हो, ये सब घुमा फिरा के एक ही जैसा होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर करता है। ऐसा नहीं कि जो एनोड और कैथोड का आर्किटेक्चर एकदम ज्यों का त्यों कॉपी रहता है, लेकिन मेजोरिटी एकदम समझिए फिक्स हो चुका है। लेकिन यहाँ सोडियम के केस में अभी भी लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें कहीं जगह पर कार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है एनोड कैथोड में, कहीं जगह पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बात अभी थोड़ा सा ट्रायल मोड पे है, अभी इसका गारंटी नहीं दिया जा सकता कि मतलब एनोड में यही होगा, कैथोड में यही होगा, क्योंकि लोग अलग अलग मिक्सचर से अलग अलग प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं। किसी को है कि भैया मेरा पावर ज़्यादा ना हो लेकिन लंबा चले, कुछ लोग का भैया मेरे को बम बम पावर चाहिए। तो वैसे ही समझिए वर्किंग्स इसका वही है, जैसे लिथियम आयन में अलग अलग केमिस्ट्री होता है, इसमें भी अलग अलग केमिस्ट्री आएगा। बस मेन लिथियम की जगह पे सोडियम का मेन काम होगा, सोडियम को सेपरेटर रोकेगा नहीं, बाकी एनोड कैथोड को अलग कर देगा, ज्यों का त्यों। इसीलिए ये इतना इतने ज़्यादा लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर ये ज्यों का त्यों वही है, सिर्फ लिथियम को सोडियम से बदल दे रहे हैं, तो बात क्या है, क्यों इसके पीछे खर्च किया जा रहा है। आप ये समझिए, लिथियम आयन बैटरी में काफ़ी सारे कंपोनेंट लगते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लिथियम सबको पता है कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन लिथियम से ज़्यादा महंगा चीज़ लगता है जो कि मतलब माइन से लाया जाता है, उसमें कोबाल्ट लगता है। और कोबाल्ट कोई मतलब क्लीन मटेरियल नहीं है, जैसे आपको समुंदर से नमक निकालना है, जनरली नॉर्मली मशीन से हो जाता है। कोबाल्ट के केस में उसमें काफ़ी सारा मतलब हॉचपॉच है, पॉलिटिकल चीज़ है। और अभी अभी मतलब पैंडमिक के दरमियान पॉलिटिक्स का मामला बहुत गंभीर हो गया और लोगों को समझ में आ गया कि पूरी दुनिया में एक ही तो अगर मतलब माइंस है जो पूरी दुनिया का लिथियम दे रही है, वो मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। तो पॉलिटिक्स के चलते भी ये एक मामला एम्पलीफाई होगा। जनरली हम लोग नॉर्मली रहते हैं क्योंकि पूरा दुनिया में ट्रेड चलता है, ट्रेड के चलते ही दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है। तो ऐसा तो आप बना ही नहीं सकते, नहीं हर कंट्री अपना हर चीज़ अपने से करने लगे, सब लटक जाएंगे। लेकिन अभी के मामले में ऐसा हो गया कि भैया कोर रिसोर्सेस को जितना अपने पर कंट्रोल कर सकें करें, इसलिए पॉलिटिक्स अभी इसमें घुस गया है कि नहीं यार अपने पास अपना कुछ एनर्जी होना चाहिए। तो यही समझिए कि पैसा एक बात होता है, लेकिन एक होता है पॉलिटिक्स, उसमें घुस जाना, तो बहुत ज्यादा पैसा बहाया जा सकता है सिर्फ कंपटीशन के लिए। अब बात करते हैं दाम, मैं बता रहा हूँ घटेगा तो कैसे घटेगा, यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई परत का पैसा बचेगा, एक जगह से नहीं बचेगा कि अच्छा लिथियम की जगह सोडियम डाल के पैसा बच गया, वो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बताया उस पर लिथियम से ज़्यादा महंगा कोबाल्ट लगता है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कई सारी टेक्नोलॉजी आई जो फ्लॉप हो गई सिर्फ एक कारण से, कि उसको बनाने वाले मटेरियल्स बहुत महंगे पड़ते थे। यानी कि मतलब जैसे एक गाड़ी है, आपने एक नया गाड़ी का डिज़ाइन बनाया, ठीक है, अब होता है उस गाड़ी को मतलब भले वो गाड़ी सस्ता हो, लेकिन उस गाड़ी को मास प्रोडक्शन के लिए जो फैक्ट्री बनाना पड़ेगा वो इतना महंगा पड़ेगा कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाया। कई बार ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कि मतलब लैब में बम बम है, लेकिन जैसे ही उसका कोई मास प्रोडक्शन करने जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट देख के स्वाहा हो जाता है। ये कई बार हो चुका है, ये कॉमन चीज़ है इंडस्ट्री में होता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट पर लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सोडियम आयन का पैकेजिंग ज्यों का त्यों लिथियम आयन जैसा होगा, लोग इस पर वो समस्या हट जाता है। मतलब आपको मशीन अभी मिल सकता है, अगर आप केमिस्ट्री को सल्टा देते हैं तो आपको अभी मशीन मिलेगा कि ये मशीन यहाँ से इस कंपनी से खरीदिए,
या आपका मतलब का ये 1-2 महीने के अंदर सेटअप हो जाएगा, टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाएगा और आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, ये समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज्यों का त्यों लिथियम आयन जैसा इस्तेमाल करेगा, थोड़ा बड़ा अंतर होगा ऑब्वियसली होगा, लेकिन मतलब मेन आर्किटेक्चर जो है मतलब मेन मशीन में ही हो जाएगा, बस ये होगा सेटिंग बदल जाएगा। और सोडियम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो पहला तो वो पैसा बच रहा है लिथियम की जगह पे, दूसरा हम लोग टैप्स के लिए मतलब जो मटेरियल एनोड और कैथोड बना है तो उसमें एक जगह पे कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर महंगा होता है, कॉपर को हटा के इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है और एल्यूमिनियम ज़्यादा प्रेफर करता है सोडियम आयन्स को, तो वो भी बम मतलब ना तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप अच्छा सस्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो ऐसा है कि आप सस्ता इस्तेमाल करो तो ज़्यादा पावर मिलेगा, तो इसीलिए एल्यूमिनियम के पीछे लोग टूट पड़े हैं यहाँ पे। तो आपका ये दो बहुत बड़ा चीज़ हटा डाला कि ठीक है पहले लिथियम का समस्या सुलझा लिया, सोडियम कहाँ मिलता है पूरी दुनिया में जहां पर भी समुंदर है कोई टेंशन नहीं है, फिर अल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा अबंडेंट है वो भी समस्या सॉल्व हो गया, और प्लस रिसाइकिल करना भी आसान होता है। फिर आप तिगड़म वाला बात करते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट तो लगता ही नहीं है, तो मतलब इसका सारा मटेरियल्स अगर आप देखेंगे तो इसमें मतलब एकदम एक एक एलिमेंट का बजट देखेंगे तो एकदम सिंपल हो जाता है, सल्फर लगेगा मतलब सिलिकॉन लगेगा मतलब बालू में जो चीज रहता है, तो कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका मास प्रोडक्शन करने अगर आप बैठे कि हमको हजारों टन चाहिए, कहीं पे भी आपका दाम नहीं भागने लगेगा। लिथियम के केस में दाम भागता है लेकिन लिथियम उतना यूज नहीं होता है बैटरी में तो उतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोबाल्ट वो रुला देता है। और अभी हम लोग उसके बारे में इतना समस्या इसलिए नहीं कर रहे कि ये एक तो ऐसा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है कि जितना ज्यादा आप खपत करेंगे दाम बढ़ने लगे, दाम बढ़ने लगेगा तो रिसाइकिल करने का प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं कि तुरंत मतलब आने वाले 10 साल में लिथियम बैटरी खत्म हो जाने, आने वाले 25-26 साल तक कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन लंबा गैम्बल जो लोग खेल रहे हैं जैसे मान लीजिए टेस्ला गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं, वहां पे अगर आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा कि भैया सोडियम का इस्तेमाल किया जाए लिथियम के जगह पे, अल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाए कॉपर के जगह पे, कोबाल्ट को ना ही लगाए तो बल्ले बल्ले कार्बन का इस्तेमाल किया जाए कैथोड की जगह पे, बहुत सारा सिंपल सिंपल स्टेप्स है जो लगाने से आपका मल्टीपल स्टेप्स में दाम घट जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा जमीन पिलाते हैं, अभी तक सुनने में सब्जी अच्छा लग रहा होगा, सब्जी बल्ले बल्ले लग रहा होगा, आप यहाँ समझिए कि मैं कई बार कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी मतलब लैब से निकल के आपके हाथ में आने में बहुत लंबा टाइम लगता है। लेड एसिड बैटरी इतना मेच्योर हो चुका है कि हम लोग सोचते भी नहीं, आप सोचिए कि लेड एसिड से बैटरी से हाइड्रोजन निकलता है फिर भी हम लोग उसको गाड़ी में रखते हैं, पता है कि कैसे निकलता है कैसे उसको मैनेज किया जाता है, एक एक चीज़ हम लोग सीख चुके हैं समझ गए, क्यों? क्योंकि वो 150 साल से उसको मतलब रिफाइन कर रहे हैं। फिर वैसे ही समझिए कि लेड एसिड हम लोग को सबसे ज़्यादा सिखाया, फिर आता है निकल कैडमियम, निकल कैडमियम का उतना कोई खास इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि ना तो बहुत बेटर था ना तो बहुत बुरा था, यूज किए लेकिन ज्यादा उतना नहीं रहा, फिर लिथियम आयन आया तो हम लोग सीखते गए, और लिथियम आयन को भी मतलब कहिए 20 से 50 साल लग जाता है मतलब लैब में बना, फिर कमर्शियल बना, फिर कमर्शियल से वायबल हुआ, बहुत लंबा स्टेप लगता है। तो आज जो आप लिथियम आयन देख रहे हैं हर जगह आपके मोबाइल फोन में आपके पावर बैंक्स में, वो सब ऐसा नहीं कि वो कल बनाया था या 1992 में बनाया था, जो आप देखेंगे पहला लिथियम आयन सेल तो जनरली अगर आप पढ़िएगा तो पढ़ेगा पहला कमर्शियल लिथियम आयन सेल 1990 के आसपास का बनाया हुआ है, जो लैब में बनाया गया था वो से बहुत पहले बनाया गया था, अराउंड 70 से 80 के बीच में उसका फाउंडेशन रखा गया था। तो ये कॉमन है, टेक्नोलॉजी को आने में टाइम लगता है, जैसे कि आप जैसे अभी अपने कंप्यूटर में DDR4 है, DDR6 अभी इंटरप्राइज ग्रेड में काम चल रहा है, तो वैसे ही टाइम लगता है, पहले वहाँ आएगा फिर एक्सपेरिमेंटल लेवल में आएगा फिर ऐसे, ये नॉर्मल चीज़ होता है। तो कभी भी आप देख रहे ये होगा कुछ साल में दुनिया बदल देगा, नहीं कुछ दशक में बदल देगा, कुछ साल में नहीं। और ये समझिए लैब और रियल वर्ल्ड में कई बार ऐसा हुआ है कि लोग कंपनी अच्छा चीज़ चाहते हैं, कंपनी मेहनत करती है लैब पे खर्चा करती है फिर भी धोखा हो जाता है, क्यों? क्योंकि लैब और रियल वर्ल्ड बहुत अलग अलग है। एग्जाम्पल देने के लिए अभी जैसे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड जब बनाया गया, मशीन बनाया गया, मशीन के ऊपर मशीन बनाया गया, फिर उस धार 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 फोल्डिंग वोल्डिंग करके देख रहा है, सब चीज़ बल्ले बल्ले काम कर रहा है, रियल वर्ल्ड में लेते ही स्वाहा हो गया। कई बार ऐसा चीज़ होता है कि जो लैब में एकदम हर टेस्टिंग आप कर डाले कि हम ये करेंगे उसके ऊपर ये करेंगे उसके ऊपर ये करेंगे, सब काम कर रहा है लेकिन जैसे ही रियल वर्ल्ड में गया स्वाहा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं लैब वाले टेक्नोलॉजी को उतना कवर नहीं करना चाहता हूँ कि लैब में हर चीज़ बम बम रहता है, रियल लाइफ में आते आते फुस हो जाता है। और आप ये समझिए जो आपको पेपर्स मिल रहे हैं मतलब व्लॉग्स मिल रहे होंगे, खूब सारे वेबसाइट में आर्टिकल्स मिल रहे होंगे, खूब सारे यूट्यूबर्स करेंगे, वो हाइप पे चलते हैं, इसीलिए वो हाइप ऐसा ऐसा थंबनेल बनाएंगे, ऐसा ऐसा ये मतलब ये दुनिया बदल देगा, ये एकदम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देगा, ये एकदम मतलब हमारी सारी समस्या का समाधान कर देगा, ऐसा नहीं होता है। उनका काम है हाइप पे बेचना ताकि आप फंस जाओ, तो इसीलिए समझिए हाइप से दूर रहें, ठंडे दिमाग से सोचिए, सोचिए टाइम लगता है, कोई भी टेक्नोलॉजी कितना भी अच्छा हो कम से कम 10 से 15 साल लगेगा उसको फाइनलाइज होने में कि भैया हम यही कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे, यही हम करेंगे, ऐसे करके उसको सेफ्टी किया जाएगा, ऐसे करके उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, ऐसे करके उसकी चेकिंग होगी, ऐसे करके मतलब जैसे आप ISI देखते हैं, ISI का जिसका काम है कि पानी का जो वाटर गीजर से लेके आयरन से लेके मल्टीमीटर से लेके ये सब की टेस्टिंग करता है, उनको भी तो पता लगे, उनको भी तो कोई बताएगा, उनको भी तो चेक करना होता है कि बैटरी हमारे देश में आ रहा है प्लेन में रखा जा रहा है, बैटरी कहीं आग ना लगा दे,
तो इसीलिए समझिए बहुत सारा चीज मतलब टाइम लेता है, और ऐसा नहीं कि बुरी बात है या कोई सप्रेस कर रहा है टेक्नोलॉजी, सीधा सीधा टाइम लगता है, मतलब सीधा सीधा। आपको एग्जांपल ले ली, मैंने नीचे खूब सारे वीडियो बताए, इसमें एक बंदा एक्चुअल सीईओ दिखा रहा है लिथियम आयन बैटरी को, लेकिन खुद ही बोल रहा है कि ये 2018 का वीडियो था, और मतलब अच्छा ये तो अभी मतलब हैंडमेड है, अभी रेडी नहीं है, अभी मतलब मैथ पेंडिंगली उनका था कि भैया 500 से 4 साइकिल मिल जाना चाहिए, रियल वर्ल्ड में उनका टेस्टिंग में आ रहा है 100-150। बुरा नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन वही है, लैब में और रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा अंतर होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, डेविल इज़ इन द डिटेल्स। डिटेल देखते देखते आपको सारा चीज़ में समझ आया, जैसे कि सोडियम आयन बैटरी से पहले सोडियम मेटल बैटरी आया था, और उसको लोग तुरंत रिजेक्ट कर डाले थे सिर्फ एक कारण से, सोडियम भारी होता है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है, वो घुमा फिरा के आपको वापस लेड एसिड के लेवल पर ले आता था, इसीलिए उसको तुरंत पे मतलब बहुत पहले से ही ये सोडियम पर काम चल रहा था, लेकिन छोड़ दिया। अब सोडियम आयन्स पर काम चला कि सिर्फ सोडियम आयन लेंगे, एनोड और कैथोड में छिड़कानी नहीं करेंगे, तब जाके ये हुआ। और ये भी इसीलिए हो पाया कि लिथियम आयन पे इतना रिसर्च हो चुका था कि एनोड कैथोड के ऊपर अपना समझ के 25-26 कॉम्बिनेशन है एनोड और कैथोड के ऊपर। तो इसलिए हाइप से बचें, और आप चीज में टाइम लगता है, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं। का मतलब वो काफी लोग का पूछ रहे थे ये बैटरी कब आ जाएगा, जैसे अल्यूमिनियम एयर बैटरीज, लोग हाइप के ऊपर हाइप के पीछे भाग गए, जबकि कंपनी जो कंपनी पैसा खर्च करी है वो खुद बोले भैया हमें इसे जनरेटर बनाना, बैटरी ये गाड़ी के लिए सूट नहीं करेगा, लेकिन लोग तो दौड़ गए। तो ये होता है, इसीलिए हाइप से बचें, हाइप आपको ले डूबेगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हम लोग बस काफ़ी सारे औजार आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको लिथियम आयरन पे ही रहना, मान लीजिए आपको कि भैया मेरे को कुछ ऐसा दो जो मैं आज खरीद सकता हूँ, मैं आज पैसा दूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं आज पैसा दूंगा, मुझे आज मिल जाए, तो सबसे बेस्ट लिथियम सर्किटरी में घर के लिए पावर स्टोरेज के मामले में लिथियम टाइटेनेट सबसे बेस्ट माना जाता है। सब चीज़ देगा लेकिन बहुत महंगा होता है, बड़ा भी होता है, मतलब उसका साइज डेंसिटी अच्छा नहीं है, लेकिन लगा के आप भूल सकते हैं, क्योंकि वो अगर आप उसका चार्ज साइकिलिंग बहुत स्ट्रेस में नहीं कर रहे हैं, आराम से 10,000 साइकिल, 10,000 चार्ज मतलब इनपुट हैंडल कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा है, और चार्जिंग स्पीड में वो इकलौता बैटरी केमिस्ट्री है जो अराउंड 4 सी तक हैंडल कर सकता है। 1 सी का मतलब होता है 1 घंटे में चार्ज हो रहा है, 2 सी का मतलब होता है 30 मिनट में चार्ज हो रहा है, 3 सी का मतलब होता है 15 मिनट में चार्ज हो रहा है, मतलब हर सी आधा करते जाता है, तो सोचिए वो उतना हाई स्पीड में चार्ज करता है। और इसको चाइना मतलब कई साल पहले से ही बस में इस्तेमाल कर रहा था, वो एक टेक्नोलॉजी है। फिर कुछ लोगों के बजट में चाहिए लेकिन घर में आग लगने का रिस्क नहीं, तो लिथियम आयरन बैटरी ले लेते हैं ताकि दाम कम लगे, घर में आग लगने का भी रिस्क नहीं रहेगा, काम अच्छा है, गाड़ी के लिए अच्छा है। हाँ, इस्तेमाल किया गया महिंद्रा का पूरा ईवो 2 में इस्तेमाल किया गया था, पीला कलर का बड़ा बड़ा सा ब्लॉक आता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे औजार हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग सूट के, क्या ये दोनों आपके कभी मोबाइल फोन में नहीं सूट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि इसमें बड़े होते हैं। तो ऐसे ही समझिए हमारे पास अब औजार आ रहे हैं। सोडियम भी अगर मान लीजिए वो एकदम बम बम नहीं चल पाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक और औजार आ जाएगा। ये औजार काफ़ी लोगों को हो सकता है कि नहीं यही औजार हमें सूट कर रहा है, जैसे इंडिया के इसमें हो सकता है कि नहीं हम लोग गाड़ी के लिए मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए नहीं चाहिए लेकिन पावर बैंक के लिए चाहिए, कि मतलब हम लोग इंडिया में सोलर का खूब पोटेंशियल है, बम बम पोटेंशियल है, तो हर अगर छोटे छोटे शहर के बाहर आप मान लीजिए 100-100 मेगावाट का बैटरी बैंक लगाना चाहते हैं, वहां पे ये बहुत सूट कर सकता है। तो इसीलिए समझिए हमारे पास खूब सारे केमिस्ट्री के ब्लेंड्स आ जाएंगे, और हर ब्लेंड का कुछ प्रोज होगा, कुछ कौन होगा, और ये आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग कार्बन एनोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग एलुमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ अलग तरह का डेंड्राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर का अपना फायदा है, कुछ का है कि बहुत लंबा चलेगा, कुछ का है भैया पावर बम बम देगा, वो डिसाइड किया जाएगा, चूज किया जाएगा। तो ये ब्लेंड इसीलिए अभी मैंने अभी एग्जैक्टली डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कहीं नहीं है, मैं एक चैनल कंपनी का देखता हूँ, वो कंपनी अलग ब्लेंड में बात कर रही है, दूसरी कंपनी का देखता उसका अलग है, क्योंकि अभी स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है। तो ये समझिए अब बात करते हैं दाम पे, जिससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, कितना दाम घट सकता है, 20% तक दाम घट सकता है। अब बोलेंगे एक मिनट, इतना सब चीज़ हटा दिए, कोबाल्ट हटा दिए, ये लिथियम हटा दिए, हर चीज़ हटा दिए, सब चीज़ सिंपल कर दिए, तो दाम 20% ही क्यों घटा? यहीं पे मैं बोल रहा था, हाइप से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी मटेरियल खरीदते हैं तो उसमें दाम आप सिर्फ मटेरियल का नहीं देते हैं, बहुत सारा और चीज़ देते हैं, खास करके मैनुफैक्चरिंग में। अगर ये ज्यों का त्यों वहीं वहीं मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जो लिथियम में लग रहा है, तो दाम आप कहाँ से घटाएंगे? मटेरियल कॉस्टिंग आपका थोड़ा सा घटा, वो भी थोड़ा सा ही घटेगा, कई टन में अगर आप खरीदने लगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा ये भी होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई फ्री की चीज़ नहीं आती है, आपको देना पड़ता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, हमेशा किसी ना किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, प्लस किसी ना किसी को प्रॉफिट लेना ही पड़ता है। अगर वो प्रॉफिट नहीं लेगा तो अगला बैच कैसे बनाएगा, अगला लोन कैसे उठाएगा, अगला आगे कैसे बढ़ेगा, अपने बीवी बच्चों को कैसे खिलाएगा, तो वो सब ऐसे स्टेप्स हैं जो हटा नहीं सकते। प्लस पैकेजिंग, पैकेजिंग के बारे में काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि 1850 का इस्तेमाल करके टेस्ला गाड़ी बनी, उसी गाड़ी से कंपनी बनी, कंपनी से कंपनी सक्सेसफुल हुआ, आगे सबसे पहला काम किया कि बैटरी को बदल डाले 1850 की जगह 2170 की, क्यों? क्योंकि केसिंग बड़ा की है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, सरफेस और वॉल्यूम में रेशियो अलग अलग होता है, सरफेस आपका स्क्वायर में बढ़ता है, वॉल्यूम क्यूब में बढ़ता है, तो ऐसा क्यों किए? ताकि
पर ग्राम, मतलब कोर मटेरियल पर ग्राम आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके वर्सेस कितना स्टील केसिंग लग रहा है वो घटा दिया, वो रेशियो वो इम्प्रूव किए। सोचिए ये सब छोटा छोटा चीज़ें जिसके बारे में आप और हम नहीं सोचते, लेकिन जिनको गाड़ी बनाना है, जिनको फैक्ट्री चलाना है, इस पर उनका दिमाग इसी पर रहता है कि भैया मैं 1 ग्राम अगर पर सेल में मैं ऐसा कर देता हूँ कि मेरा 1 ग्राम स्टील बच जाए जो केसिंग में लग रहा है, बल्ले बल्ले प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनको कई हज़ार बनाना, मतलब एक टेस्ला में 18,000 सेल तक लग सकते हैं। वैसे ही देखिए, इसीलिए दाम के मामले में ऐसा मत सोचिए कि एकदम दाम एकदम चीप चीपन बेस्ट हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला। 20% भी घट जाए वो भी बड़ी बात होगी, वो भी मैं हैरान हो जाऊँ कि आने वाले 10 साल के अंदर हो जाए, यानी 2030 में हो जाए ये बात, तो भी बड़ी बात होगी। फिर लार्ज स्केल अडॉप्शन ये पॉसिबल कर सकता है, ये बात में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए काफ़ी लोगों का अभी भी ये कहना है कि ये सिस्टम में उतना एडवांटेज नहीं है कि लिथियम का टेस्टेड टेक्नोलॉजी को हटा के आप एक अनटेस्टेड सिस्टम पर डाल दें, अभी उतना बड़ा गैप नहीं है, लैब में भी नहीं है, तो ठीक है, तो काफ़ी लोग उसमें। लेकिन ग्रिड स्केल स्टोरेज में बम बम चीज़ है, क्योंकि ग्रिड स्केल में टन्स में चले और टन में हज़ारों टन मिले, और वहाँ पे ऐसा किया जा सकता है कि सेल का छोटा पैकेजिंग गाड़ी में इसलिए किया जा सकता है ताकि पंचर होने का रिस्क कम रहे, और अगर पंचर हो भी तो एक या दो सेल्स वहाँ हो, ना कि पूरा का पूरा स्टैक वहाँ पकड़ ले। यहाँ पे बड़े सेल्स का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, और ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी सिर्फ ज़िंदगी में एक बार करना है, तो काफ़ी अच्छा मैं देख सकता हूँ। सो अगर ये सक्सेसफुल रहा तो छोटे शहर में आराम से ऐसा हो सकता है कि आने वाले 15 साल में हर छोटे शहर के बाहर में एक ठो, मतलब कहीं एक ठो बड़ा सा जगह होगा, वेयर हाउस जैसा रहेगा, और उसमें मतलब 50 मेगावाट आवर, 100 मेगावाट आवर तक का, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप समझ लीजिए हो सकता है, संभव नहीं है, तो ये सब किया जा सकता है। लेकिन आप ऐसा मत समझिए जो मैजिकल सब लोग बता दे रहे हैं कि ये सारी समस्या सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं होता है। बोल तो रहे मतलब लिथियम टाइटेनाइड आधे लोगों का सारा समस्या सॉल्व कर देता है, फिर भी लोग नहीं खरीद पाते, महंगा है। तो ऐसे ही सही बहुत सारा चीज़ और होता है, पर ठंडे दिमाग से देखिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोडियम आयन बैटरी के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।